मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल डिश जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप गेस कीजिए, कर सकते नहीं कर सकते। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा जिसके लिए आप रेस्टोरेंट कहीं है ना, यहाँ कहीं वहाँ सारे में उसको ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन है ना फ्रेंड्स, ये जो पिज्ज़ा है आप ये घर में ही बना सकते हैं। अपने जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामान आपके घर में ही मिल जाएगा, एक दो चीज़ आपको मार्केट से लानी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा जो बिना ओवन के, जिसमें आपको ओवन माइक्रोवेव वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिना ईस्ट के। कोई कोई ना जैसे ईस्ट नहीं खाता ना, तो मैं बगैर ईस्ट के बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं पिज्ज़ा। तो दोस्तों, पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें ये मैंने लिया है मैदा, एक कटोरी मैदा, और ये बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर दोस्तों ऐसे डिब्बे में आता है, ये खुला हुआ नहीं आता कभी भी। ये बेकिंग पाउडर की डिब्बी है। ये बेकिंग सोडा है, ये खुला हुआ आता है, ये पैकेट में आता है, ठीक है। ये मैंने लिया है नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। ये मैंने थोड़ी सी चीनी, और ये चिली फ्लेक्स जो पिज्ज़ा पे ऊपर से डालेंगे। ये दोस्तों मैंने बेकिंग के लिए नमक लिया है जो मैं इसको नीचे डालूंगी। ये नमक थोड़ा काला हुआ क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ किया है, ये कढ़ाई में नीचे फैलाने के लिए। और ये है दोस्तों ये पिज्ज़ा सॉस, ये पिज्ज़ा सॉस है, ये भी मार्केट में मिलता है बेकरी की दुकान पे। और ये अमूल चीज़ है, ये भी आपको बेकरी की पे मिल जाएगी शॉप पे। और ये दोस्तों मैंने लिए हैं, ये अलग से पहले से काट के रखे हुए हैं ये सब। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डालिए, मेरे पास ये सब थे तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने टमाटर चॉप करके रखे हैं, ये शिमला मिर्ची, ये येलो वाली शिमला मिर्च है, ये मकई है जो कच्ची वाली होती है, मेज जिसको बोलते हैं, और ये प्याज, ये सारे मैंने काट के रखे हैं। आपके पास जो हो आप वो डाल सकते हैं पिज्ज़ा में, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब डालें। ये लिए मैंने अमूल पिज्ज़ा चीज़, ये आप किसी ब्रांड के ले सकते हैं, ये 100 रुपीज़ प्राइस का, ये आपको किसी भी डेयरी प्रोडक्ट पे मिल जाएगी जिस पे है ना डेयरी के सामान मिलते हैं, जैसे कि पनीर वगैरह मिलते हैं वहाँ आपको ये मिल जाएगी, किसी मॉल वगैरह में ये मिल जाती है ग्रॉसरी शॉप पे। ये दोस्तों मैंने लिया है ये खट्टा दही, ये आपके पास दही घर का अवेलेबल हो तो आप वही डालिए, पुराना हो थोड़ा सा खट्टा सा, तो उससे ये पिज्ज़ा का बेस बहुत अच्छा बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने मैदा ले लिया है, मैदे में डाल देते हैं हम ये हमारा बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर, ये मैंने एक चम्मच के करीब लिया है, ये नमक, ये चीनी, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब मैं डालती हूँ इसमें ये खट्टा वाला दही, जो हमने ये दही लिया था खट्टा। ये दोस्तों हम ची वो क्या कहते हैं, ये मैंने इसमें ईस्ट नहीं डाली इसलिए दही का प्रयोग कर रहे हैं। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दही को। ये इसमें जितना खट्टा दही होगा उतना अच्छा ये बनेगा। ये बेस दोस्तों दुकान पे भी मिलता है बना हुआ, लेकिन मैं इसे भी घर में ही बनाती हूँ क्योंकि घर की बनी चीज़ बेस्ट होती है बच्चों के लिए। इसमें थोड़ा सा दही और डाल देती हूँ, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। बस अब इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसको पानी से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों मैदे की जगह आप आटे का भी बना सकते हैं बेस, लेकिन ये मार्केट में मैदे का ही बनता है अधिकतर, तो मैं मैदे का ही आज आपको बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसको आटे का भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से गूंथना है,
उसको हैंड मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे जिससे ये चिपचिपा हो रहा है ना, ये नहीं होगा। एकदम सॉफ्ट हो गया दोस्तों ये, इसको ऐसा करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसे 5 मिनट बाद इसको इससे पिज्जा का बेस बनाते हैं। ये हो गए हमारे 5 मिनट, देखिए हमारा और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया अच्छी तरह से। अब इनसे बनाते हैं पिज्जा बेस। इससे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने रख देते हैं। दोस्तों ये जो नमक मैंने लिया था ये इसमें डाल देती हूँ मैं। अच्छी तरह से फैला देंगे सारे में। इसका ये रख दूंगी स्टैंड, आपके पास छोटा हो तो आप छोटा स्टैंड रख दीजिए, ढक देती हूँ। अब इसको गर्म होने देते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहले चकोटी पे ये थोड़ा सा, ये मैंने मक्के का आटा ले रखा है, आप सादा आटा भी ले सकते हैं या मैदा ले सकते हैं या गेहूं का आटा ले सकते हैं। इसको अच्छे से डाल दीजिए। दोस्तों एक मैं पतला सा पतली सी रोटी जैसी बेलूँगी और एक थोड़ा मोटा जो बेस बनेगा हमारा। पहले जो हमारी पतली सी रोटी है इसके इस जगह आप सादा घर की रोटी भी ले सकते हैं जो बीच में लगेगी पिज्जा के। अभी इसको बेलते हैं हम, इसको तवे पे सेक लेंगे। तक दोस्तों आप मेरे चैनल गोल्डी गैलरी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थोड़ा आटा डाल के बेल लेंगे इसको। देखिए दोस्तों अब इसको इसमें ऐसे इस टाइप से छेद कर लेंगे जिससे ये फूलेगी नहीं, फूलने से सारा ये खराब हो जाता है पिज्जा का बेस, छेद करने से ये फूलेगी नहीं। फिर अब इसको हम तवे पर सेक लेते हैं। ये मैंने सिकने के लिए रख दिए। अब हम दूसरा जो मोटी वाली लोई थी उसको बेलते हैं। इसमें इस तरह से आटा लगा लेंगे। इसको थोड़ा हाथ से ऐसे फैला देंगे क्योंकि ये दही डालने के बाद थोड़ा गीला हो जाता है, हाथ से अच्छे से फैल जाते हैं। इसकी किनारे दोस्तों थोड़ी सी मोटी रखेंगे जिसमें से इससे चीज बाहर नहीं निकले, किनारे थोड़ी उठी हुई रहेगी, इसके बीच में पतला कर लेंगे थोड़ा सा। तो हाथ से ही ऐसे फैला देंगे दोस्तों। ये देखिए अब इसमें छेद कर लेंगे। एक मिनट इधर, ये हमारा
रोटी यहाँ पे सिक्के तैयार हो गई है। इसको गैस को ऑफ कर देते हैं। इसमें दोस्तों ये छेद कर रहे थे ना, ये छेद कर लेते हैं इसमें। ये आप कांटे से, चाकू से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, फोक से, आपके पास जो अवेलेबल हो। इससे हमारा जो पिज्जा का बेस फूलेगा नहीं। ये रोटी दोस्तों ये हमने जो तवे पे सेकी थी, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गई है। ये इसके अंदर इन दोनों के बीच में चीज़ स्प्रेड लगाऊंगी मैं और पिज्ज़ा सॉस, फिर उसके ऊपर इसको रख दूंगी, फिर उसके ऊपर सब कुछ डालूंगी। तो चलिए दोस्तों ये हमारा जो चीज़ स्प्रेड है इसको हम इस पर अच्छे से फैला देंगे। जिससे पिज्ज़ा हमारा बिल्कुल चीज़ी चीज़ी बनेगा। बच्चों को चीज़ ही ज़्यादा पसंद होती है पिज्जे में। पिज्ज़ा में यदि चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, महंगा रहता है इसमें, इसलिए चलिए अभी हमने इसको चीज़ लगा ली है यहाँ पे चीज़ स्प्रेड को। आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, जितना आपको चीज़ खाना पसंद हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉस डाल देती हूँ, टमेटो केचप। दोस्तों अभी ये जो मैंने बेस बना के रखा था इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। अब इसको इस तरह से होल्ड कर दूंगी मैं, पानी लगा लूँ। तो इस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के किनारे पे थोड़ा सा आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, इसलिए कौन ब्रश से। अब इनको अच्छे से ऐसे होल्ड कर दूंगी मैं इसको। थोड़ा इसको खींच के ऐसे इसके ऊपर होल्ड कर दें। ये डबल चीज़ पिज्ज़ा हो जाएगा दोस्तों। वैसे आप सिंगल एक बेस के ऊपर भी बना सकते हैं। ये मैंने डबल चीज़ पिज्ज़ा बनाया है। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे कर देंगे और फिर फोक से इसमें भी छेद कर देंगे ऐसे, जिससे ये किनारे से भी नहीं फूलेगा। चलो दोस्तों इसके ऊपर हम लगाते हैं ये पिज्जा सॉस। आप अपने तीखे टेस्ट के हिसाब से लगाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा होता है। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ ये जो मोजरेला चीज़ मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी घिस के, उसको डाल देती हूँ। और फिर ये जो टॉपिंग्स के लिए मैंने ये जो काट काट के रखे थे इंग्रेडिएंट, वो डाल देंगे। आप अपने हिसाब से आपको जो भी यूज करना है वो कर सकते हैं, और वेजिटेबल और फ्रूट भी, कुछ भी जो भी आपको डाल रहा हूँ उससे डेकोरेट कीजिए इसको। शिमला मिर्ची, ये येलो वाली शिमला मिर्ची, ये जो मक्के के मैंने ले रखे हैं भुट्टे जिन्हें बोलते हैं कच्चे भुट्टे, मेज इसका डाल दें। ये आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये पूरी तरह से। अब इसके ऊपर और चीज़ डाल देते हैं दोस्तों,
चीज़ तो पिज्जा में भर भर के डाली है, तभी तो पिज्जा पिज्जा कहलाएगा। ये दोस्तों ये थोड़ी सी जम गई है, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, गर्मी के कारण मेल्ट हो रही थी। अब देखिए इसको, ये जो कढ़ाई जो गर्म हो गई, मैंने पहले से देर तैयार करके रख रखी है, इसमें रखते हैं। पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये मक्खन लगा लेती हूँ, ये मैंने मेल्ट करके रखा मक्खन, आप घी भी लगा सकते हैं। इसको पहले इस पर ट्रांसफर कर देती हूँ। साइड में मक्खन लगा देंगे इसके चारों तरफ, जिससे अच्छी तरह से पक जाएगा। आप घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। और फिर ये मैंने जो एक कढ़ाई पहले से रख रखी है, ये अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसको इसके ऊपर रख देते हैं आराम से। करिए दोस्तों, ये इसमें हाथ जलने का डर रहता है, अब इसको ढक देते हैं। ये प्लेट से मैंने ढक दिया है, अब इसको देखते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, हम हमारे पिज्जे को निकालते हैं बाहर। ये देखिए कितनी अच्छे से चीज़ इसकी मेल्ट हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। इस तरह आपके पास सेंसी हो से आप इसको आराम से निकालिए। बिल्कुल संभल के, बिल्कुल दोस्तों। देखिए ये हमारा पिज्जा तैयार है, इसको आप कट कर लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। मैं इसको 6 पीस में डिवाइड कर देती हूँ। छोटे छोटे पीस कर दिए इसके मैंने। देखिए दोस्तों गरम है भी बहुत। गरम गरम ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पिज्जा, ये नीचे से भी अच्छी तरीके से सिक गया है। और ये देखिए दोस्तों इसके अंदर भी, ये मैं दिखाऊं, ये मैंने दो परत लगाई थी, ये अंदर भी बिल्कुल चीजी चीजी है, ये जो चीजी स्प्रेड लगाया था। चलिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। और मम्मी बन गया क्या, खा लूं? बहुत यम्मी है। दोस्तों ये एक और पिज्जा मैंने बना के रेडी रख रखा है, इसमें मैंने सारे टॉपिंग्स जो हैं, सारे वेजिटेबल्स उनको बारीक बारीक काट दिया है, जिससे बच्चों को खाने में आसानी होगी, थोड़ा काटने में प्रॉब्लम होती है उसको। तो इसको भी अब मैं बना के रेडी करती हूँ। ओके बाय। तो दोस्तों हमारा पिज्जा बन के रेडी हो गया है। अब आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, और पिज्जा ट्राई करके देखिए, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। ओके थैंक यू, बाय बाय।